रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से चार दिन पूर्व लापता हुए युवक का आज बीहर नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही युवक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू की और तब एक खंडहर मकान में लूट की योजना बना रहे पांच आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनमें से दो आरोपियों ने युवक की हत्या करना कबूल किया। बताया जा रहा पकड़े गए पांच बदमाशों में से दो आरोपियों ने चार दिन पूर्व पचमठा मंदिर के समीप बने घने जंगल में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी, जिस पर एक दोस्त का महंगा मोबाइल और उसकी सोने की चैन देखकर उनकी नीयत फिसल गई तथा आरोपियों ने पहले तो अपने दोस्त से विनती करते हुए मोबाइल और चैन मांगा, लेकिन जब दोस्त ने मोबाइल और चैन देने से इनकार कर दिया तो फिर लूट के इरादे से आरोपियों ने उसकी हत्या कर युवक के शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कृष्णा नाम के व्यक्ति का वो शव था और उसके बाद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में उसको 302 का तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और CSP साहब और थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कोतवाली विश्वविद्यालय के लोग थे, साथ में साइबर सेल के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और उसमें फिर लग के दो लोगों को अभी विश्वविद्यालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दो लोग वो थे जिसमें से कोतवाली में ये निपनिया के पास में कुछ डकैती की योजना बनाते हुए कुछ पांच आरोपी पकड़े हैं थाना कोतवाली में, जहां पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उसमें से दो आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने ही उस हत्या को अंजाम दिया।